Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. Now I'm sure कि आपने अब तक thumbnail भी देख लिया हुआ है और title भी read कर लिया है. So you know कि आज की जो video है ये एक product review है हमारे अपने पाकिस्तानी brands के foundations के ऊपर. So without any further ado, let's get ahead into today's video. ओके, वीडियो शुरू करने से पहले ये जो वीडियो है ये टू पार्ट वीडियोस का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इसके अंदर अभी मैं सिर्फ फोर फाउंडेशंस रिव्यू करूंगी और उसके बाद अगली वीडियो के अंदर आई विल बी रिव्यूइंग द रेस्ट. सो लेट मी टेल यू कि आज हम कौन कौन सी फाउंडेशंस ट्राई आउट करने लगे हैं और रिव्यू करने लगे हैं. तो अभी सबसे पहले जो फाउंडेशन मैं रिव्यू करने जा रही हूँ इट इज द फा ब्यूटी फाउंडेशन इन नेचुरल ग्लो एंड दिस वन इज इन द शेड चीज केक. सो हमेशा की तरह पहले थोड़ी सी पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं. दिस इज व्हाट द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इस तरह से ये बॉटल खुलती है. देयर इज अ नाइस पंप ऑन द बॉटल. दैट्स समथिंग दैट आई लाइक. इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए हैं. इट डज हैव फ्रेग्रेंस इन इट एंड दैट इज व्हाट यू गेट व्हेन यू बाय दिस फाउंडेशन. एंड इन दिस पैकेजिंग यू गेट 35 ml वर्थ ऑफ फाउंडेशन. Now I'm going to put this on and show you guys what it looks like on my skin. सबसे पहले मैं दूंगी एक पंप अपने ब्रश के ऊपर इस फाउंडेशन का. एंड यू कैन सी दैट दिस इज अ प्रीटी थिक टेक्सचर. बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है. मेरे ख्याल से एक पंप इसका बिल्कुल इनफ होगा जितना ये थिक मुझे लग रहा है. ओके, सो व्हाइल आई एम अप्लाइंग दिस आई कैन सी दैट दिस इज प्रीटी हाई कवरेज. यानी आई डोंट थिंक कि मुझे इसके साथ कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी. ये अपने आप में ही हाई कवरेज है फ्रॉम द फर्स्ट एप्लीकेशन ओनली. ये फुल कवरेज फाउंडेशन तो है लेकिन इसके साथ एक छोटा सा मसला है. वो ये है कि ब्रश के साथ इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही. एज यू कैन सी दैट दिस इज एक्चुअली गिविंग मी दी स्ट्रीकी लाइंस ऑन माय स्किन. दैट डज नॉट लुक गुड ऑन अ फाउंडेशन. आई मीन इसको लगाने के फौरन बाद आई गॉट अ लिटिल स्केयर्ड कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया विद द फाउंडेशन. आई एम नॉट श्योर. सो आई एम गोइंग टू गिव दिस अनदर शॉट एंड दिस टाइम विद अ ब्यूटी ब्लेंडर. लिटिल केकी. That's also because मैंने अभी तक अपने चेहरे को सेट भी नहीं किया है पाउडर के साथ. एंड शायद उसके बाद इट माइट लुक बेटर. लेकिन अभी वी आर जस्ट रिव्यूइंग द फाउंडेशंस ऑन देयर ओन. सो इस तरह से इट डज लुक अ लिटिल केकी. और ऐसा पता चल रहा है कि मैंने काफ़ी सारा फाउंडेशन लगाया हुआ है. लाइक दैट्स प्रीटी ऑब्वियस. ओके वेट, आई हैव टू कम ओवर हियर एंड टेल यू गाइज दिस कि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक इवेंट पे जाना था एंड इतनी शदीद गर्मी थी कि आई डोंट थिंक सो मैंने कराची में इतनी शदीद गर्मी आज तक देखी होगी. एंड दैट्स व्हेन आई हैड दिस फाउंडेशन ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम. इट सर्वाइव्ड. और ये भी नहीं कि अलग अलग जगहों से हटा हुआ था एंड देन इट सर्वाइव्ड. नो, नथिंग मूव्ड. ऑब्वियसली मैंने उस वक्त उसको सेटिंग पाउडर से सेट किया हुआ था. नो मेकअप स्प्रेज, नो प्राइमर, नथिंग. Just the foundation and then the setting spray nahi, and then the powder. That's all that it really needed and it survived the sweatiest and hottest of days. To main usko uske liye extra point zarur dungi. Now we're going to move ahead with our next foundation, which is this one by Beautify by Amna. It's called the Radiant Foundation Long Wear and Matte Finish. Khair wo hum abhi figure out karenge. एंड इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं लिखे हुए बट वेयर्स लॉन्गर स्टेज स्ट्रॉन्गर लुक्स बेटर विद ईच आवर. ओके, सो इट्स अ 12 आवर फेड रेसिस्टेंट फाउंडेशन. एंड अगेन दिस पैकेजिंग हैज़ 30 ml ऑफ फाउंडेशन इन इट. काफ़ी मज़े की पैकेजिंग है. वैसे आई हैव टू एडमिट आई लव द गोल्डन टॉप. इट लुक्स रियली नाइस. सो दैट इज वॉट इट लुक्स लाइक. इसका एक पंप है साथ में एंड द गोल्डन टॉप राइट हियर. Enough about the packaging, let's try this out and see ki skin pe kaisi lagti hai. So once again I will take one pump from this foundation on my brush. Aur jaise ki aapko dikh raha hai ki kafi watery foundation hai, ye utni thick nahi lag rahi.
ओके सो व्हाइल आई एम अप्लाइंग इट मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है दैट दिस विल नीड बिल्डिंग, यानी कि ये मीडियम कवरेज है. हो सकता है अगर मैं एक और पंप इस पे यूज़ करूँ तो शायद ये और बेहतर कवरेज देगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं अपने डार्क सर्कल्स भी देख सक रही हूँ और करीब से मुझे मेरे स्किन के ऊपर कुछ ब्लेमिशेस भी नज़र आ रहे हैं. Now also because I have such a bright and glowing foundation on my right side, I can easily tell ke jo iski finish hai, jo ye claim karte hain ki it's a matte finish, intaha ki matte finish hai, which I think is amazing for people with oily skin, jinko oily skin nahi pasand. I personally like the glow, extra glow nahi but general wala glow, so I don't mind my foundations being a little glowy, but this is amazing being a matte finished foundation. सो अभी के लिए कवरेज इनफ नहीं है, इसलिए हम इसको एक और चांस देंगे एंड वी विल गिव वन मोर पंप टू द ब्रश एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई इट एंड सी के हमें फिर कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है या डज इट रियली कवर ऑल द ब्लेमिशेस एंड स्पॉट्स ऑन आवर फेस. Okay, so I have to say that it covered my entire face like a pro. लेकिन सबसे मज़े की बात यह कि इसकी कितनी skin like finish है. मतलब I do not feel like I have anything on my face. ये नहीं कि feeling में there is nothing. Even when I'm touching my skin, I don't feel anything. And even when I'm looking in the mirror, तब भी it doesn't look like मेरे चेहरे के ऊपर कोई फाउंडेशन लगी हुई है. दिस राइट हियर इज अ साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ बोथ ऑफ द फाउंडेशंस के इनकी फिनिशेस किस तरह की लग रही है मेरी स्किन के ऊपर. द राइट साइड हैज फार ब्यूटी की फाउंडेशन इन चीज केक एंड काफ़ी ग्लोई, बहुत मजे की ग्लोई फिनिश है. एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव ब्यूटिफाई बाय आमना एंड बहुत ही परफेक्ट वेटलेस लाइट वेट मैट फिनिश है. Which look are we liking more? I personally like both of them. I mean, I can't decide. क्योंकि दोनों बहुत मज़े के हैं. They're really nice. Okay, moving on. तो अब जो मेरे पास foundation है, this is one of the foundations जो हम सब ने use की हुई है. If not this one, I'm sure इस brand की कोई ना कोई foundation हम सब ने use की हुई है, which is the Estee London. I've been using it since it was called Sweet Touch London. Now it's Estee London. So ये Estee London की Imperfections Eraser Foundation है. Anti-aging, concealing, camouflaging with SPF 30, face and body foundation. यानी कि this can be used both ways. अब anti-aging foundation, I'm not sure about that. लेकिन camouflage करती है कि नहीं, we'll see about that. And this is in the shade IE01. पीछे इसके लिखा हुआ है that this is vegan. इसकी शेल्फ लाइफ 18 मंथ्स है. इट्स मेड इन इटली एंड दैट्स इट. वी डोंट हैव एनी इंग्रेडिएंट्स ऑन दिस, बट लेट्स ट्राई दिस आउट एंड सी कि स्किन पे कैसी लगती है. ओके, दिस फाउंडेशन इज क्रेजी लेवल थिक. ठीक है, अभी देखा था कितना बड़ा ब्लॉब गिरा था, वेरी वेरी थिक, लाइक नाइट क्रीम लेवल थिक. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डॉट द एंटायर प्रोडक्ट ऑन टू माई फेस एंड सी के क्या सिचुएशन है भाई. ये एंटी एजिंग, कैमोफ्लॉजिंग और कंसीलिंग और सारे जो सिचुएशंस हैं इसकी, विल जस्ट गेट टू द एंड ऑफ इट जैसे अभी हम अप्लाई करते हैं. बट वेट अ मिनट, आई जस्ट रियलाइज इसमें बड़ी कोई फंकी सी स्मेल है. मतलब देयर इज अ वेरी फंकी फ्रेग्रेंस टू इट. इट्स नॉट लाइक अ कॉस्मेटिक ही फ्रेग्रेंस, थोड़ी सी अलग कोई फ्रेग्रेंस है. आई डोंट अंडरस्टैंड रियली, बट चलो फॉर यू गाइज टू नो इट हैज अ फ्रेग्रेंस. Alright, अब जब ये लगती जा रही है, you guys can actually see that this is super high coverage. मतलब जो ये लोग claim कर रहे हैं that this is a full on camouflage level high coverage foundation, it's true. It is true. लेकिन इसका जो skin पे result भी है, फिर वो उसी के हिसाब से थोड़ा सा केकी भी है, क्योंकि obviously ये एक cream level thick foundation है. It won't just glide onto your skin like that या जज्ब नहीं हो जाएगी. It is a thick product, it will show.
Now, I couldn't really understand ki iski finish kya thi. Was this a matte finish? Was this a glowy finish? Kyunki ek healthy finish thi bas. That's all how I can explain it. Na matte thi aur na bahut zyada glowy thi. It was just healthy. That's all I can say. Okay, so now that the foundation has dried on my face, I can tell you that this foundation feels heavy on my skin. Yani full ek wazan hai is foundation ka. I can feel ke jaise maine ek bahut hi thick kisam ka skin care wala, you know, moisturizer laga diya. But for the fact ke it concealed so well, it went so well with my entire skin. Concealer to main bhool hi jaun, sari situation mein chhod dun filhal. Lekin the fact that it is such a good concealing foundation, I think it would be perfect for people who need full coverage foundations ya phir I think bridal foundations, kyunki aap us situation mein aapko aisi achhi lagti hai. And then I saw the clip on camera and I realized ye foundation camera pe bahut achhi lag rahi thi. It wasn't looking that amazing in real life, but on camera it looked amazing. So definitely something for photos. Now it's time for the foundation that you all have been waiting for since you've seen the thumbnail, because I know that this is the foundation that you want to see my reviews on. Yes, the Masarrat Misbah Silk Foundation. You guys know that Masarrat Misbah has been around for years and years in Pakistan. Ye koi naya brand nahi hai, lekin phir bhi, let's talk about the packaging. So ye is tarah ki ek bottle mein aati hai. You can see that's how it opens. Iska bhi ek pump hai. That's what it looks like. Aage logo hai. पीछे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है. आई एम ग्लैड अबाउट दैट. शेक वेल बिफोर यूज. 24 मंथ्स इसकी शेल्फ लाइफ है. एंड दैट इज प्रीटी मच इट. इसके अलावा और कोई इंग्रेडिएंट्स या कोई और डिटेल्स इसकी पैकेजिंग पे नहीं है. टाइम टू टेक आउट दैट ब्रश एंड पुट दैट फर्स्ट पंप ऑन टू द ब्रश. सो एज यू कैन सी इसका भी काफ़ी क्रीमी टेक्स्चर है. बहुत लाइट वेट नहीं, लेकिन काफ़ी velvety sa creamy texture. This is not the first time that I'm using this foundation. I have used it couple of times. Now because I've used it before, main aapko bata sakti hu ki iska ek pump enough hai. Isse zyada zarurat nahi padegi kyunki ek bahut full coverage foundation hai and extremely matte finish wali. Tan ke agar aapki bahut hi oily skin hai aur aapko bilkul hi ek matte finish chahiye for your event or for anything that you're wanting to dress up for, this is definitely the foundation for you. Because I remember that when I applied this, my skin stayed dry for really long. Abhi dry skin walon ke liye thoda sa masla ho sakta hai, lekin hum oily skin wale is cheez se bahut khush hote hain when we really need it. Now that I'm done applying the foundation, hai main bilkul bhool gayi thi what this foundation felt like. Dobara se love wapas aa raha hai. This has a very very velvety feel to the skin. This is something that I love about it. I have to say that I personally love Masarrat Misbah's foundation, lekin ek chota sa problem hai jo kafi sare logon ke liye bahut badi problem ban jati hai, wo ye hai that this foundation oxidizes a lot. Matlab mujhe personally isse koi problem nahi hoti. Kyun? Kyunki main waise hi apne skin tone se ek shade dark foundation lagaya karti hu, magar phir bhi this oxidizes a crazy lot. Like aapki shakal orange ho jati hai, itna oxidize karta hai. So if you want to get this for yourself, make sure ki you are getting a shade brighter than your original shade, taki agar wo oxidize bhi kare to zyada se zyada you are going to come back to your own skin tone, not turn into a pumpkin. So aaj ki review video bas itni si thi. Aaj maine char foundations review ki hain. Agle part mein I will be reviewing more of the foundations. So if you like this video, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel, okay? I will catch you guys in my next one.